ना बढ़िया सब दिख रहा बढ़िया। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं ना आपको इस बाइक के बारे में ना कुछ ऐसी रोचक तथ्य बात बताने वाला हूँ कि ये बाइक है ना, मैंने आज से 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले ना इस बाइक में ना 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। आज तक है ना ये बाइक है ना उसी 50 रुपये के पेट्रोल से चल रही है। डेली है ना, पर डे तकरीबन है ना मैं 100 किलोमीटर, तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर पर डे इस बाइक को चला लेता हूँ, फिर भी है ना इसका पेट्रोल ख़त्म होने को नहीं आ रहा। पेट्रोल ख़त्म क्या है, 5 मिनट में है ना इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। आज मैं ना इसको चला के भी दिखाऊंगा, बिना पेट्रोल के चल रही है ये बाइक आज तक। और है ना मैंने इसमें क्या जुगाड़ लगाया कि ये मतलब आज तक बिना पेट्रोल के चल रही है। और काफ़ी लोग उन्होंने ना मेरे हाथ में ना इस बाइक को ख़रीदने के लिए ना पैसे तक धर दिए मेरे हाथ में, लेकिन मैंने अभी तक है ना ये बाइक किसी को बेची नहीं है। ये बाइक है ना आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन से भी ख़त्म हो चुकी है, फिर भी ये बाइक है ना बिना पेट्रोल के चल रही है। और इतना शानदार माइलेज है इस बाइक का, कोई मतलब इसकी तारीफ करते करते ना आप थक जाओगे। तो आज मैं इसको स्टार्ट करके हर चीज़ तरीके से दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ। दोस्तों एक मिनट में स्टार्ट हो गई ये बाइक, और देखो कितना मस्त अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें पेट्रोल है क्या नहीं। तो अब देखो ये लाइव चल रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा रेस खींचना, हल्की सी रेस खींचते रहो। तो दोस्तों देखो ये बाइक चल रही है, और मैं इसकी पेट्रोल वाली वो नॉब दिखा देता हूँ आपको। देखो इसकी पेट्रोल की नली कहाँ है, ये रही इसकी पेट्रोल की नली, और ये रहा इसकी पेट्रोल की नॉब। देखो कुछ भी नहीं है, मैं इसको हर तरीके से घुमा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। और ये देखो बिल्कुल खाली है, और नली इसकी ये रही, नली इसकी ये रही, और पेट्रोल इसमें है ही नहीं। बाइक चल रही है, और बाकायदा खूब मस्त तरीके से बाइक चल रही है। थोड़ा रेस और दो। अच्छा मैं अब इसमें आपको जैसे चलती रहती है, और एक बार फिर स्टार्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको आप ही के सामने, और एक किक में स्टार्ट हो जाएगी ये बाइक। देखो बाइक एक बार में स्टार्ट। अच्छा मैं अब इसमें आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या ट्रिक लगाई है, और इतना शानदार माइलेज और देती है मेरे को, बहुत शानदार। देखो ये इसमें जादू है ना, ये इसके अंदर है, ये देखिए ये इस चीज़ से चल रही है, ये चल रही है गैस से, एलपीजी गैस से। मैंने ना इसमें एलपीजी गैस लगा रखी है, और जो ये मीटर है ना ये बताता है गैस का प्रेशर किस टाइम है ना इस टंकी के अंदर कितनी गैस है। ये है ना 2.5 केजी की टंकी है, और एलपीजी गैस से चलती है। इतना शानदार माइलेज है, 1 केजी गैस में है ना ये बाइक है ना तकरीबन 130 से लेके 150 किलोमीटर तक आराम से चल जाती है ये बाइक, और इसी तरीके से चलती रहती है। तो जैसा कि दोस्तों इस बाइक को है ना खरीदने के लिए बहुत लोगों ने मेरे से अच्छा किया भाई, और काफ़ी लोग है ना मेरे से कहते हैं कि भाई हमारी भी बाइक इस तरीके से बना दो भाई, पेट्रोल से ना ये मेरे को 4 गुना सस्ती पड़ती है। और है ना ये बाइक है ना 1 केजी गैस में है ना तकरीबन 125 से 150 केजी चल जाती है, और 1 केजी गैस कितने की आ रही है, गैस की जो कॉस्ट है ना आज के टाइम में 60 से 70 रुपये के बीच में है, और पेट्रोल का भाव हमारे यहाँ तो 106 रुपये पर लीटर है, और 106 रुपये के पेट्रोल में ये माइलेज कितना निकालेगी, ज़्यादा 60 या 70 का माइलेज निकाल देगी। लेकिन मेरे लिए तो भाई 1 केजी यानी 60-70 रुपये में ही एक तक ने 130 से 150 तक का माइलेज निकाल देती है इसी तरीके से आप मेरे इस बाइक को। तो आई होप दोस्तों आपको ना ये टॉपिक है ना काफ़ी पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है ना ये वीडियो ना शेयर जरूर कर देना। यदि आपको भी यदि कुछ इस तरीके से बाइक बनवानी है ना, तो मैं आपकी बाइक के लिए ना काफ़ी चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा, आप भी अपनी बाइक को बनवा सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।